तो ये जो भिखारी की कहानी मैं तुमसे कह रहा हूं, ये तुम्हारी ही कहानी है। भिखारी सवेरे जोर जोर से चिल्ला रहा है भीख के लिए, अपने पात्र को आगे कर रहा है, खड़खड़ा रहा है, भीख मांगता है, भीख दो, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद लेके आया है कि उसे आज लाखों का खजाना मिल जाएगा, सोने के कोई सिक्के मिल जाएंगे, कोई राजा वहाँ से गुजरेगा, ना जाने क्या क्या उसे दे देगा। उम्मीद है, तुम भी जब छोटे थे, बचपन तुम्हारा था, तुम्हें भी उम्मीद थी, तुम ऐसा बनोगे, तुम ऐसा कर लोगे, तुम ऐसे बन जाओगे, तुम ऐसे सब कमा लोगे, इतना तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम ऐसा कर पाओगे। उम्मीद, आकांक्षाएं तुम्हारे पास होती है बचपन में। ठीक भिखारी की तरह, जैसे जैसे बड़े होते हो तुम भी बदलते हो, भिखारी भी बदल रहा है। 12 बजे तक गला फाड़ फाड़ के भीख मांगता रहा, जब कुछ भी नहीं गिरा, 2-4 सिक्के मिले, खड़खड़ाते हुए सिक्के गिरे, नोट भी ना मिले, उम्मीद टूट गई, बड़ा दुखी हुआ। अब बोल भी नहीं सकता था, वो एक तख्ती छुपाए था अपने कपड़ों में, उसने वो तख्ती आगे कर दी जिस पर लिखा था मैं गूंगा बहरा हूं। तुम भी यही करते हो, जब तुम्हारा बचपन बीत जाता है, जवानी में तब कदम रखते हो, जब तुम तो बड़ी आकांक्षाएं थी, बड़ी चीजें तुम लेकर के चल रहे थे, बड़ी अपेक्षा तुमने खुद से पाल रखी थी, पर जैसे जैसे तुम नजदीक आते हो रियलिटी के, वास्तविकता के, तुम भी गूंगे हो जाते हो। अब बोलने को कुछ नहीं रहता, क्या बात करें, सारी अपेक्षाएं टूट गई, जैसे भिखारी की भी टूटी, तुम्हारी भी टूटती है। भिखारी एक तख्ती आगे कर देता कि मैं गूंगा बहरा, फिर भी इंतजार करता रहता अपनी किस्मत पर, शायद कुछ हो जाए। शाम होते होते उम्मीद टूटने लगती, मदिरे का सेवन करने लगता, नशे पे नशा करने लगता, क्योंकि भूल जाना चाहता था खुद को। बस एक काम करता, अपनी तख्ती को पलट देता, वो रिवर्सेबल तख्ती थी, आगे पीछे दोनों तरफ लिख सकते थे, तख्ती के दूसरी ओर लिखा था मैं पैरालाइज्ड हूं और दारू पीता पीता जमीन पर बिल्कुल बेहोशी की हालत में होकर के गिर पड़ता था। बस अंतिम काम यह कर देता था कि तख्ती घुमा देता था। तुम भी बुढ़ापा आते आते ठीक उस भिखारी की तरह ही सभी अर्थों में पैरालाइज्ड हो जाते हो। तुम्हारे कोई अंग काम नहीं करते, दर दर की ठोकर खाने लगते हो, जीवन ही बुरा लगने लगता है। तब जाकर के समझ आती है कि हमने क्या किया। समझो, और मैंने तुमसे कहा कि तुम इस आत्म अज्ञान की फिक्र ही मत करो, बात इतनी ही है जैसे सोना और जागना, बड़ी सरल। इसे विशिष्ट ना बनाओ, इसे कठिन ना मानो। जागना बड़ा आसान है, सुबह जब तुम उठते हो तो क्या करते हो, बस आंख खुल जाती है। ठीक ऐसे ही है आत्मज्ञान और आत्म अज्ञान, सोना जागना, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इस आत्म अज्ञान की फिक्र छोड़ दो, फिक्र करके कुछ होने वाला भी नहीं है।
जैसे यदि तुम अंधकार की फिक्र करने लगो, किसी कमरे में अंधकार है और अब तुम चाहो कि उस अंधकार को वहाँ से निकालना है, अब तुम उसके दुश्मन बन जाओ, उस आत्माज्ञान के जैसे तुम दुश्मन हो। तुम यदि दुश्मन बन जाओ क्या होगा, तलवारें ले आओ, काटने लगो अंधकार को, कट जाएगा अंधकार का, कुछ भी ना होगा। तुम चाहे जितना लड़ो अपनी ऊर्जा को ही गवाओगे। और हम करते भी हैं, सभी तरीकों से इस आत्म अज्ञान को धक्के देके बाहर निकालना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, जबकि मुख्य तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारे आत्मज्ञान को बढ़ाना चाहिए। यदि कमरे में अंधेरा है और तुम एक दीपक जलाओगे, एक दिया जलाओगे, तो क्या होगा, अंधकार अपने आप हटने लगेगा। दीपक की लौ यदि कम है, तुम लौ को और बढ़ाओगे, अंधकार नदारद हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अंधकार कुछ है ही नहीं कि अपने अंदर इस अंधकार को हटाने के लिए तुम्हारा पूरा ध्यान दीपक जलाने पर, दीपक की लौ बढ़ाने पर होना चाहिए। कुछ चीजें जब तुम इस लौ को बढ़ाना चाहते हो, इस दीपक को जलाना चाहते हो, तो कुछ चीजें तुम्हारे लिए बहुत काम की है, जो इसमें काम देगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारा संकल्प। बिना संकल्प के कुछ नहीं हो सकता। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा आत्मज्ञान बढ़े, तुम में लौ जगे, तुम अपने बारे में जानो, तो तुम्हें संकल्पवान होना पड़ेगा। एक संकल्प करना होगा कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ।